प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली आज किश्त जारी हुई है और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इस बात के साक्षी हैं कि कैसे हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी सिफारिश हर गरीब का भला कर रही है। हर वर्ग, हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है और यही तो है, जैसे हमारे अभी मंत्री जी ने बताया, गिरिराज जी ने, कि सबका साथ, सबका विकास, सबको आवास। पहले हुए सर्वे में जब हमें पता चला कि बहुत से परिवार कुछ नियमों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो हमने सरकार की ये जो आदत होती है, उस आदत से बाहर निकलो भाई। मुझे तो नागरिकों की भलाई को सोचना है, उनकी मुसीबत दूर करनी है, तो हमने बदलाव भी किया और अच्छा है कि उसके कारण आज आपको ये घर नसीब हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को पहली किस्त आज मिल रही है और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। और अब आपको अंदाज आता होगा कि पहले की सरकारें, उनका काम करने का तरीका और हमारी सरकार में कितना बड़ा फर्क है। चाहे विप्लव जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, हम नियमों को लोगों के लिए बाधा नहीं बनने देते। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको इसलिए भी डबल बधाई कि इस घर का मालिकाना हक आपके पास होगा, महिलाओं के पास होगा। इस बात का हमने बहुत ध्यान रखा है कि पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने वो हो सके तब तक महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, उन्हीं के नाम पर बने। जहां वो संभव नहीं है वहां ठीक है, नियम हम, कोई महिला है ही नहीं, सिर्फ पुरुष है तो उनके लिए करेंगे, लेकिन अगर परिवार है तो घर की महिला जो मुखिया है उसके नाम घर देंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उन मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। खुलु माखा, जय मां त्रिपुर सुंदरी। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा भौमिक जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय निकायों के साथ पंचायतों के सदस्य और त्रिपुरा के मेरे उत्साही, परिश्रमी सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। विकास की ये चमक अपने घर और सम्मानपूर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास त्रिपुरा को और समूचे पूर्वोत्तर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा
आने वाले दिनों में कैसा होगा इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इससे हमें स्वाभाविक रूप से उत्साह, उमंग, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये सफलता, उम्मीद की नई किरण अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिंदगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और उसमें एक किरण नजर आ जाए तो उसकी चमक कई गुना ज्यादा होती है। जब से बिप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और बिप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरावासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री बिप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं, तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ बिप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी, तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए, उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ एक ही बार में, एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली।
45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूर्व आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था, लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।